ਜਦਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ इस खबर दी तस्वीरां भी तुहानू विखावांगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी वालों किस तरह सीएम चेहरा लभण की कवायद तेज की गई है। सूत्रों मुताबक वड्डी खबर आम आदमी पार्टी नाल जुड़ी हुई दुबई के कारोबारी ते समाज सेवी SPS ओबरॉय के संपर्क दे विच आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सुखपाल खहरा ने ओबरॉय नूं चेहरा बनाउण बारे ट्वीट किया। इसे खबर से साडे नाल गलबात करन दे लई खुद SP ओबरॉय जुड़ चुके हैं। ओबरॉय साहब बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे लई। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। ओबरॉय साहब तस्वीरां तां नहीं सामने आई हैं पर अजिही हवा सियासी गलियारियां दे विच है कि आम आदमी पार्टी तुहानू अप्रोच कर रही है। जी देखो, इस तरह है कि पिछले कुछ दिनों तो ना अखबारों में भी आ रहा है ते सोशल मीडिया पर भी काफी चल रहा है कि ओबराय नूं तुसीं अच्छी पोस्ट लै रहे हैं, उपर भी लै रहे हैं, चाहे CM कह लो या कुछ भी कह लो। तो गल काफ़ी कर लिया सी जदों कि मेरी किसी ना कोई कमिटमेंट नहीं हुई। अप्रोच तो सारे करते हैं, देखो आम पार्टी ने भी अप्रोच किया, उस तो बाद जिन्नी नवी पार्टियां ने उन्होंने भी अप्रोच किया, लेकिन मैं किसी को हामी नहीं भरी। मैं सिर्फ हाथ जोड़ दिना कि नहीं, मेरी लाइन नहीं है। पिछले 10-12 साल तो मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, सरबत का भला कर, लेकिन शुरू तो लैके हूँ तक मैं यही गल कहना है कि मेरा कोई मूड नहीं है। मैं ना मैं पॉलिटिक्स आवा ना ही कभी सोचा जी। सो पोस्ट कोई भी हो, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी पार्टी में जी। हाँ ये जरूर है कि देखो सरकार कोई भी आवे, जो काम अभी हम करते आ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन के काफी कुछ है, मेडिकल लाइन से जिन्हें तो हॉस्पिटल की अभी हेल्प कर रहे हैं वो अगर करते रहेंगे। दूसरी गल जी है कि सरकार कोई भी आवे, ABC आवे, लेकिन एक गल मैं आज कहनी चाहूंगा कि यूथ को संभालने की लोड़ है। पंजाब के ITIs बंद पई ने, साडे इंजीनियरिंग कॉलेज के कई विंग बंद पे ने। मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी सरकार आवे, ये जी ड्यूटी है ये सरबत का पुलिस संभालों को तैयार है कि असं यूथ को बाहर जाने को रोकीये, असी स्किल डिवेलपमेंट से काम करिए। ये सारिया बिल्डिंगा लैके मैं अपने खर्चे से गवर्नमेंट से कोई भी मैं लोड नहीं पावगा, चाहे कोई भी सरकार होनेचरी लोड नहीं पावे, लेकिन सारा जिला खर्चा है, चाहे सैलरीज ने चाहे होर सारे अरेजमेंट ने, वो मैं करने तैयार बैठा। इन कामों की तो मैं बिल्कुल रेडी है सारे सोशल कामों की। बाकी पॉलिटिक्स मेरा ना ही कोई ख्याल है ना ही मैं आना है, चाहे वो CM की पोस्ट हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो। तो हर चीज की नबज पकड़े हो, हर थां ते जाके मदद तुहाडे वल्लों प्रोवाइड कराई जांदी है, लगदा कितें ना कितें सरकार पिछे रह जांदियां ने। देखो बिल्कुल इस गल से मैं तुहाडे सहमत हाँ कि जो एक्शन टाइम पे लेना चाहिए वो नहीं लिया गया जी। अगर COVID-19 की गल करिए, मार्च में स्टार्ट होया सी ते एकदम एक्शन लेना चाहिए सी, जिहड़ा नहीं लिया। और ट्रस्ट ने मार्च में ही सारा स्टैप चुके, असीं सारे 5 दे 5 मेडिकल कॉलेज, चाहे वह PGI है, चाहे वह इंदिरा हॉस्पिटल है, चाहे वह फरीदकोट हो गया या अमृतसर हो गया, ये सारे कॉलेज हो गए, सारे सिविल हॉस्पिटल ट्रस्ट ने संभाले सब तो पहला, चाहे वह PPE किट सी, चाहे वेंटिलेटर से गए, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, जो होर एक्सरे हो गई, इवन एम्बुलेंसेज हो गई, मोटरी वैन हो गई, ये सारा कुछ जरा ये ट्रस्ट ने ही प्रोवाइड किया है जी। और ये सारे हॉस्पिटलों च असीं हुण भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ओबरॉय साहब बिल्कुल जिस तरह तुसी जिक्र कीता कि अप्रोच तो हर पार्टी करती है, जाहिर तौर पर साफ छवि होवे समाज दे विच, एक थां होवे लोकां दे दिलां दे विच थां होवे, तां पार्टियां अप्रोच करदियां ने। तुसी इनकार भी करदे हो, ठीक है तुहाडा रुझान नहीं है, पर कि इस गल ते तुसी मोहर ला सकदे हो कि आम आदमी पार्टी ने CM चेहरे दे लई तुहानू अप्रोच कीता है? देखो मैनू जिसले इन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने यही किया कि इस तो घट तुहानू नहीं लिया जाएगा जी। लेकिन दूसरे पन्ने ये भी गल आ जाती है कि जिसने उन्होंने कहा तो मैं ना ही हाथ जोड़ दिते, मैं कहा तुम कोई भी पोस्ट दो, मेरा किसी भी पोस्ट नाल कोई मेरा लैन देन नहीं जी। चाहे एक पार्टी का वर्कर हो, चाहे MLA हो, डिप्टी हो, CM हो, जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं इस काम के, फिर मैं बहुत ही सुनता ही नहीं गया। मैं तो पहले हाथ जोड़ दिना जी, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जड़िया भी अफवाह उठिया जड़िया कि पेपर च भी आया, सारे पास आया, सोशल मीडिया पर आया, इसे ना मैं किसी ने अच्छा कोई ध्यान दिता जी, ना ही मैं इंटरेस्टेड है जी।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਲੋਡ ਪਈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਪਲਾਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 70 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। पर ब्रॉय साहब कितना कितने यह नहीं लगता कि पंजाब के लोग एक इस तरह की लीडरशिप भालते ने, इस साफ छवि के लोग जे पॉलिटिक्स के विच आउण ते पॉलिटिकल विल उन्हां कोल होवे तां उह होर वधिया काम कर सकते ने। देखो मैं भी इस गल नाल एग्री हाँ कि अज जरूरत है किसी नूं आउण दी कि तां जो पंजाब दा ढांचा सारा बिगड़िया होया है, हर पासे करप्शन है, कोई भी डिपार्टमेंट देख लो तुसीं उहदे च हर बंदा अपना हिस्से भर रहा कि असीं अपना पैसा इकट्ठा कर लईए जिस तरह कि उन्होंने नाल लैके जाना हुंदा है, लोड़ हैगी है। लेकिन मैं नहीं इस गल नूं समझदा कि मैं पॉलिटिक्स च आके मैं संभाल सकांगा सारा। ठीक है बिल्कुल। ओब्राय साहब एक आखिरी सवाल, मुख्य विरोधी धिर वजों आम आदमी पार्टी की भूमिका नूं किस तरह वेख रहे हो पंजाब च? मैं तुहानूं पहलां ही दस चुका जी क्योंकि मैं पोलीटिकल बंदा ही नहीं हाँ, इसलिए मैनूं तां कुछ एबीसी नहीं आती पॉलिटिक्स दी जी। ठीक, की हो रहा की नहीं हो रहा मेरा ख्याल ही होर पासे सोशल कम जाएगा, मैं ओदे ते मैनूं रहण दिओ जी, चलो ओही मेरे ख्याल ठीक रहेगा जी। ठीक, बहुत धन्यवाद सर साडे नाल जुड़न दे लई ते अपनी गल साडे तक रखण दे लई, बहुत धन्यवाद। सो इस सन एसपी सिंह ओब्रॉय जो कि बतौर समाज सेवी असीं इन्हां नूं जाणदे आ, समाज भलाई दे कम्मां दे विच इक वड्डा योगदान इन्हां दा रिहा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਦਾਨ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮਠ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਮਠ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਫੇਸ ਹੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੈਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
अमर अरोड़ा साढ़े नाल जुड़े जिन्होंने कहा कि इस बारे उन्होंने कोई जानकारी नहीं है। खुद एस पी सिंह ओबरॉय होर गलबात की है, उन्होंने कहा कि ऑफरस तो बहुत आदियां ने पर उन्होंने रुझान जो है उन्होंने रुझेवा जो है फिलहाल सियासत वाल नहीं है, वो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स वाल नहीं तक रहे। वो कहते हैं कि मैं जो काम करने ने वो मैं इदा ही समाज के रेंद्या होया विचरद्या होया एक आम शख्स वजो एक समाज सेवी वजो कर रहा मैनू इस दे लई सियासत च आउण दी जरूरत नहीं है। सो एस पी सिंह ओबरॉय समाज दे विच एक वड्डा नां एक वड्डी शख्सियत ओ शख्स जो हमेशा ही समाज सेवा दे लई अगे आउंदे ने ते इना वल्लों निरपक्ष होके निस्वार्थ इस सेवा भाव नूं पुगाया भी जा रहा है।